मध्य प्रदेश के लिए सेना के विमानों द्वारा ऑक्सीजन टैंकर लाए जाने का प्रस्तावित रूट तय किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। आईनॉक्स बोकारो झारखंड से 24 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल पहुंचेगा। आईनॉक्स बोकारो झारखंड से 25 अप्रैल को दो छोटे टैंकर ग्वालियर पहुंचेंगे। आईनॉक्स बोकारो झारखंड से 26 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल पहुंचेगा। तो कुछ इस तरह की रूपरेखा तय कर दी गई है, कब और किस तारीख को कितने टैंकर राजधानी पहुंचने वाले हैं। आईनॉक्स बोकारो झारखंड से 27 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल पहुंचेगा। इसके साथ ही 28 अप्रैल को दो छोटे टैंकर ग्वालियर पहुंचेंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल से रांची चले, जिसमें हम टैंकरों से रेल मार्ग से ऑक्सीजन लेके आ पाए, उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और उसका पूरा प्लान तैयार हो रहा है, कब ट्रेन जाएगी, आएगी, टैंकर किस साइज के होंगे, उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया है। इससे भी आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी। आज माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी जो कोरोना संक्रमित है, स्वयं एम्स में भर्ती है, लेकिन मैंने उनसे भी चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वेल यद्यपि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कर रहा है, क्या और अधिक ऑक्सीजन वहां से ली जा सकती है, बनाई जा सकती है। उन्होंने भी वहां ईडी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी चर्चा करके इन सब व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मैंने मांगा। थावरचंद गहलोत जी से भी चर्चा हुई, वो भी लगातार प्रयासों में लगे हुए हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने फिक्की के माध्यम से उद्योगपतियों से भी चर्चा की, अलग अलग ऑक्सीजन के प्लांट निर्माण के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इत्यादि की आपूर्ति के लिए, कम समय में कैसे ऑक्सीजन प्लांट बन सकते हैं इसके लिए, और बाकी व्यवस्थाओं के लिए, दवाइयों के लिए उनसे भी सहयोग मांगा है। हमारे प्रयास निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि कोरोना की बढ़ती गति हम रोकेंगे और बाद में इसको समाप्त करके हम विजय प्राप्त करेंगे।